चलिए बेटा तो हम रिवाइज कर लेते हैं टी डी एस और टी सी एस ये जो है चार्ट आपको आपके लॉग इन में दिया हुआ है तो बेटा आ, ये जो आपको चार्ट है आपके लॉग इन में दिया हुआ है आपको लॉग इन कैसे क्रिएट करना है तो ये मैंने हमारे रिवीजन सेशन में फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं टी डी एस एंड टी सी एस इसमें दो सेक्शन है सेक्शन फिफ्टी वन और सेक्शन फिफ्टी टू तो सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 51 के फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 51 डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे वो टी डिडक्ट नहीं करेगा उसके बाद में लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट और ये नोटिफाइड पर्सन में कौन आते हैं इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो तो ये नोटिफाइड पर्सन में अगर मैं आपको बता दूँ तो ओके अथॉरिटी बोर्ड और अदर बॉडी सेटअप विथ फिफ्टी वन इक्विटी कंसर्न विद द गवर्नमेंट जिसमें ये जो अथॉरिटी सेटअप की होगी कोई भी एक्ट में या यास्टैब्लिड बाय द गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51 से ज़्यादा 51 परसेंट से ज्यादा है सोसाइटी रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और पी एस यू तो इतने लोग जो है यहाँ पे टी डी एस डिडक्ट करेंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है और वो पॉइंट ये याद रखना है कि अगर ये जो भी डिपार्टमेंट यहाँ नोटिफाई किए एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को या एक नोटिफाइड पर्सन दूसरे नोटिफाइड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई करता है तो वो केस में यहाँ टी डी एस डिडक्ट नहीं होगा तो चलिए तो ये हमने देखा कि टी डी एस कौन से केस में डिडक्ट किया जाता है दूसरा फिर सवाल यहाँ आता है टी डी एस रेट क्या होगा तो टी डी एस रेट बेटा टू परसेंट है वन परसेंट सी जी एस टी और वन

वो जो पेमेंट कितना हुआ या क्रेडिटेड टू सप्लायर उसके बेस पे होगा लेट्स टेक एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दो लाख पचास हजार का है सॉरी तीन लाख का है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आप तीन इनवाइस बना रहे हो इनवाइस वन एक लाख का इनवाइस टू पचास हजार का, का तो वो केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ढाई लाख के ऊपर है तो टीडीएस कट होगा पर आपका टीडीएस जितना पेमेंट आ रहा है या जो आप इनवाइस बना रहे हो ओके उसके बेस पे यहां टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा ओके यानी आपके इन्वाइस का जो पेमेंट आ रहा है जितना पेमेंट अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा आपका टीडीएस नेक्स्ट मंथली बेसिस पे डिपॉजिट डिपॉजिट होगा और नेक्स्ट मंथ के टेंथ तक आपका टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए डिडेक्टर शाल फर्निश रिटर्न और वो रिटर्न जीएसटी आर सेवन में जाएगा टीडीएस सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा वो जीएसटी आर सेवन ए में इश्यू होगा और यहाँ अ क्रेडिट ऑफ टीडीएस है जैसे समझ लो मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूं और मैंने गवर्नमेंट को आइदर तो गुड सप्लाई किया होगा या सर्विस सप्लाई की होगी दोनों केस में टीडीएस डिडक्ट होता है और वो केस में जैसे ही गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट करता है मेरे कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया जाता है दोस्तों उसके बाद में एक्सेस और इरोनियस डिडक्शन ऑफ टीडीएस मतलब अगर गवर्नमेंट ने मेरा एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कर दिया या इरोनियस टीडीएस डिडक्ट कर दिया जिसका टीडीएस उसने डिडक्ट नहीं करना चाहिए था तो गवर्नमेंट को उसका रिफंड मिल जाता है बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह अगर वो टीडीएस यहाँ सप्लायर के कैश लेजर में आ चुका होगा तो फिर गवर्नमेंट को रिफंड नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि वो अब में में आ गया, तो तो वो वो का TDS कर लेता है, तो वो case में government को रिफंड नहीं मिलता है का आप अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन लाइबल हो जीएसटी में या ना हो उनको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और अमाउंट इन डिफॉल्ट बी बिटरमाइन एज पर सेक्शन फोर मतलब किसी रीजन की वजह से यहां पर टीडीएस का पेमेंट नहीं हुआ बाय डिडक्टी तो वो केस में सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर की नोटिस तो आएगी और एज वेल एज सेक्शन वन ट्वेंटी टू का भी पेनल्टी लगेगा अगर आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हो कि वन ट्वेंटी टू का भी पेनल्टी लगेगा

टीडीएस काटेगा कैसे क्योंकि यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है 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 तो तो कौन सा टैक्स लगता है? और का लगता है. तो और और का, का सप्लाईस टी कट कर सकता है. क्यों क्योंकि वो महाराष्ट्र का है और रिसीपियन कर्नाटका का है तो कर्नाटक का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या कोई भी होगा नोटिफाइड पर्सन वो महाराष्ट्र का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएगा इसलिए वो सिचुएशन में टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी उसके यानी यहाँ ये केस में ओके रिसिपियन टी नहीं काटेगा सेकंड व्हेन रिसिपियन इज अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो वो सिचुएशन में टीडीएस कट नहीं होगा थर्ड व्हेन टैक्स इज पेड अंडर आरसीएम सी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट आपका टैक्स अगर आरसीएम में होगा तो आरसीएम में ओके मे बी गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो मतलब मैंने कोई ऐसी सर्विस अप्लाई कर दी गवर्नमेंट को ओके okay, जो आरसीएम में और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन है या ओके okay, तो वो सिचुएशन में या सोसाइटी uh, को प्रोवाइड कर दी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सोसाइटी या कोई बोर्ड या अथॉरिटी जिसमें फिफ्टी से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है तो वो अगर आर में होगा दोस्तों तो वो सिचुएशन में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा आर के पेमेंट के लिए अगर पेमेंट मेड तो टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है तो टी डी एस डिडक्ट नहीं होगा जीएसटी कंपेंसेशन से इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा एक्समटेड गुड्स और नील रेटेड गुड्स का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और शेड्यूल थ्री का कोई अगर सप्लाई होगा तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो बेटा ये जो है कौन कौन से केस में टी डिडक्ट नहीं होगा ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से ये पढ़ के आपको जाना है तो ये हमने देखा एक शॉर्ट डिस्कशन अबाउट क्या टी उसके बाद में हम बात करते हैं टी सी एस की आज और फटाफट टीसीएस मेन पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसके सब पॉइंट यहां पे देख लेंगे हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ओके टैक्स एट सोर्स यानी आपका टी सी एस कौन का करे, डिडक्ट कर, uh, करेगा ईसीओ जैसे अमेजोन हुआ यहां पे फ्लिपकार्ट हुआ ओके okay, तो ये जो ई है जिनके थ्रू सप्लायर सेल कर रहा है

एस जी एस ट्रांजेक्शन में और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में आई का भी टीसीएस कट किया जाएगा और कि यहां पे कट होगा, तो नेट वैल्यू ऑफ देखेंगे लेकिन यहां पर उसके ऊपर यहां टीसीएस कट होगा तो टीडीएस और टीसीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां टीडीएस तब कट होगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ढाई लाख के ऊपर हो पर यहां ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है यहां अगर मैं एमेजोन के थ्रू बेचता हूं और मैं यहाँ पे दस हजार का भी माल बेचता हूं दस हजार तो छोड़ दो सौ रुपए का भी माल बेचता हूं तो मेरा टीसीएस कट किया जाएगा हाँ वो उसकी नेट वैल्यू निकाली जाएगी और वो नेट वैल्यू कितनी होगी हम आगे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड

ज नोटिफाइड अंडर नाइन फाइव मेड ड्यूरिंग द मंथ बाई ऑल रजिस्टर थ्रूस माइनस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ अब मैं थोड़ा आपको okay, यहाँ पे इवन दो ऑल रजिस्टर बोला गया है लेकिन ये जो है सप्लायर वाइज निकाला जाता है जैसे मैं अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं तो मैंने इस मंथ में जो भी माल बेचा अमेजोन के थ्रू ओके जो नाइन फाइव में कवर नहीं होता है सर्विसेज वगैरह तो जो अदर देन नाइन फाइव का सप्लाई किया और वो अमेजोन के थ्रू किया और नेक्स्ट वो जो है अदर देन नाइन फाइव का सप्लाई जो अमेजोन के थ्रू मैंने किया है टोटल इस मंथ का क्या किया माइनस इस मंथ में अगर मेरा कोई रिटर्न आया होगा तो वो रिटर्न भी कट किया जाता है और जो नेट आया उस नेट वैल्यू पे मुझे यहाँ नेट वैल्यू पे ओके okay, अमेजन यानी इसीओ मेरा टीसीएस कट करेगा तो इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज ओके आर कैलकुलेटेड फॉर इच सप्लाई करना अगर आपकी नेट वैल्यू निगेटिव है या नील है तो टीसीएस नहीं कट होगा अब ये निगेटिव कैसे होगी कि हो सकता है कि मैंने इस मंथ में अमेजॉन के थ्रू जो गुड्स बेचा या सर्विसेज दी वो यहाँ पे पचास हजार की है लेकिन मेरा रिटर्न जो आया वो सत्तर हजार का है तो वैल्यू निगेटिव हो गई या नील होगी तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस कट नहीं होगा सी बी एस एक क्लैरिफिकेशन टी बोर्ड के लिए था ओके okay, टी बोर्ड के थ्रू ओके जो भी प्रोड्यूसर यानी सेलर बेचते हैं उनका भी टीसीएस नेट वैल्यू पे डिडक्ट होगा और जो टी बोर्ड पे ऑक्शनियर होते हैं उनका भी एज अ ब्रोकरेज चार्ज इस पे टीसीएस कट किया जाएगा क्योंकि टी बोर्ड ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी रहेगी सम केसेस वेयर टीसीएस प्रोविजन नॉट अपलीकेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

रहा है जैसे यहाँ पे ओके okay, एग्जाम्पल लो कि मैं ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ ई सी के थ्रू दे रहा हूँ ओके okay, तो वो सिचुएशन में अगर मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड दे रहा हूँ तो वो केस में मेरा टीसीएस कट नहीं होगा दूसरा अगर आपका एग्जाम सप्लाई होगा तो टी कट नहीं होगा तीसरा ऑन सप्लाई मेड बाय कम्पोजिशन टैक्स फेर नो डाउट कंपोजिशन स्कीम होगी तो टी कट नहीं होगा ये हमने सेक्शन टेन टू में देखा है और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज इट कवर अंडर क्या आर ओके okay, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो आर में आती है साथ साथ में ओके okay, यस uh, yes, वैसे तो में आता ही नहीं क्योंकि इज़ नॉट अ लेकिन कोई इंपोर्ट और गुड सर्विसेज सर्विस के थ्रू इंपोर्ट की गई तो वो केस में यहां पे टीसीएस कट नहीं होगा नाउ ओके नाइन फाइव के ईसीओ एक्सेप्शन टू सर्विस नोटिफाइड प्रोविजन आर अपलिकेबल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसी सर्विसेज जो नाइन फाइव में है पर वहां पे टीसीएस कट हो सकता है कौन सा रेंटिंग ऑफ अकोमोडेशन बाय होटल हु इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो और वो पॉइंट क्या है अगर आपको याद होगा तो अगर अकोमोडेशन सर्विस होटल दे रहा होगा जब तक होटल वाला नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है तब तक ईसीओ की 95 की लायबिलिटी है

ओके सम अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीसीएस जैसे फॉरेन ईसी होगा तो क्या फॉरेन ईसी होगा तो उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा यस yes. उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा और उसको टीसीएस कट करके पे करना पड़ेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उसे अपॉइंट करना पड़ेगा उस पेमेंट के लिए ओके हैज टू ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस थ्रू ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हाँ इू हैज टू ऑपटेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी मतलब अगर कोई एमेजोन एमेजोन अपने सर्विस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में तभी तो टीसीएस काटने के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओके मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल अगर होगा टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय इज मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाई मेड थ्रू इट ये पॉइंट को समझ लो मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल मतलब क्या समझ लो मैं होटल बुक कर रहा हूँ और ऐसे होटल में मेरी बुकिंग हो रही है जो लाइबल टू रजिस्टर्ड जी एस टी जिसमें टी सी एस कट होगा ठीक है क्योंकि छोटे होटल नहीं बड़े होटल में बुक कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे बुक किया बुकिंग डॉट कॉम से बुकिंग डॉट कॉम ने वो बुकिंग ट्रिप को, और ट्रिप कर रहा है सप्लायर को तो यहाँ मल्टीपल इश्यू हो गया बुकिंग डॉट कॉम भी हो गया और दूसरा मेकमाई ट्रिप भी हो गया और ओके okay, मे, मेरी बुकिंग बुकिंग डॉट कॉम से हुई वहां से बुकिंग मेकमाई ट्रिप को चलेगी और मेकमाई ट्रिप से यहाँ पे होटल को जा रही है तो यहाँ ये केस में टीसीएस कौन कट करेगा तो ये

ओके हिज ओन प्रोडक्ट या फिर वो परचेस करके सेल कर रहा है हाँ ख्याल रहे ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में टीसीएस कब डिडक्ट होता है जब कोई थर्ड पार्टी आपके वेबसाइट से सेल कर रही है अगर आप ओन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेस करके सेल कर रहे हो तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा और अगर नाइन फाइव की सर्विसेस है तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा उसके बाद में जी एस आर और नाइन की डेट जो है कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है ओके okay, फ्टर फाइलिंग जीएसटी बाईसीओ सप्लायर कैन क्लेम टीसी कैश लेजर जो भी टी सी एस कट हुआ और जिसका जीएसटी आर फाइल हो गया by CEO, तो वो बाईसीयर के ई कैश लेजर में आ जाता है उसके बाद में ये स्टेटमेंट में कर, अगर जीएसटी आर रेट में कोई ओमिशन इन करेक्ट ओके मंथली स्टेटमेंट में पर्टिकुलर चले जाती है तो वो रेक्टिफाई करना पड़ता है और रेक्टिफाई जो है वो आप वो रेक्टिफाई करके उसका जो भी शॉर्टफॉल होगा वो आपको पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ईसीओ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है जो सप्लायर ऑफ गुड्स है ध्यान लेकिन जो सप्लायर ऑफ सर्विस है अगर वो नाइन फाइव का ईसीओ यूज कर रहे है, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ओके अगर वो नाइन फाइव का नहीं है मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो नाइन फाइव के अंदर मैं होती है तो वो केस में सप्लायर को तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं क्योंकि हंड्रेड परसेंट लाइब्रेटी पे है। लेकिन समझ लो वो अदर देन नाइन फाइव मतलब okay, ऐसा लिख दो यहां पे कवर्ड यहां पे आप ऐसा लिख, तो, लिख सकते हो कवर्ड इन सेक्शन फिफ्टी टू इन सेक्शन 52 मतलब वो 95 में नहीं आ रहा है फिफ्टी में आ रहा है तो सर्विस के केस में टीसीएस तभी कट होगा जब ओके okay, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगा मतलब क्या ओके okay, गुड्स वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है सर्विस वालों को पूरा थ्रेशोल्ड मिलता है उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो चलिए ये पॉइंट हमने कर लिया उसके बाद में मैचिंग मिसमैचिंग का जो पॉइंट है यहाँ पे कि जो सप्लायर है देखो सप्लायर जब भी सप्लाई कर रहा है देखो टैक्स तो एक्चुअली सप्लायर को ही देना पड़ता है सिर्फ ओके ई सी ओ काटता है या ओके गवर्नमेंट टी काटती है

ओके नाउ जीएसटी ऑफिसर के पास इंक्वायरी की पावर है जो मैंने यहां पे दी है ओके okay. अब एक सर्कुलर जो यहां पे दिया गया है और वो स्पेशली सर्कुलर है रेस्टोरेंट सर्विस का क्या हुआ था रेस्टोरेंट सर्विस जो है पहले पहले रेस्टोरेंट सर्विस टीसीएस में थी लेकिन यहां पे रेस्टोरेंट सर्विस डेढ़ साल पहले नाइन में आ गई मतलब अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ के थ्रू देते हो जस्ट मिनट बेटा हाँ आप रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ के थ्रू देते हो जस्ट जस्ट मिनट जस्ट मिनट अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस इीओ के थ्रू देते हो तो अब नाइन फाइव के लाइबिलिटी में स्विगी जो फूड पांडा वगैरह है इसीओ लाइबल रहेंगे पूरा टैक्स देने के लिए अब कोई भी रेस्टोरेंट हो अदर देन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइडिस जहां होटल रूम का यूनिट रेंज uh, जो है सात हजार पांच सौ उससे ज्यादा है उस रेस्टोरेंट से अगर मंगवाया तो सप्लायर लाइवल रहेगा नहीं तो नाइन फाइव होगा तो अब यहाँ पे कुछ सवाल थे जो ये क्लैरिफिकेशन रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड दिए गए इज ईसी लाइबल टू लाइबल टू अंडर सेक्शन फिफ्टी टू फॉर रेस्टोरेंट सर्विस ये जो भी क्वेश्चन है इन द फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस है तो ऐसे सिचुएशन में अगर रेस्टोरेंट नाइन फाइव में कवर हो रहा है मतलब

उस रेस्टोरेंट का उस होटल के रेस्टोरेंट से अगर बुकिंग हुआ ईसीओ के थ्रू तो वो केस में ईसीओ टीसीएस कट करेगा

उसके बाद में कैन सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ई बी रिकॉर्डेड एज ए इन्वर्ट सप्लाई सी ओ नहीं ई जस्ट द इंटरमीडियरी है उसने कोई परचेस नहीं किया इट्स नॉट ए इन्वर्ट सप्लाई क्या वो रिवर चार्ज में लाइबिलिटी या फिर या आईटीसी ले सकता है क्या नहीं इट्स जस्ट द इंटरमीडियरी इसलिए नाइन फाइव का ई इंटरमीडियरी है इवन टीसीएस भी इंटरमीडियरी वो सिर्फ टीसीएस काट रहा है वो लाइबल नहीं है ओके okay, और वो उसका इन्वर्ट सप्लाई नहीं है और वो आईटीसी भी नहीं ले सकता ना रिवर चार्ज में लाइबिलिटी आएगी ना उसको उसका आईटीसी मिलेगा

में, वो अपना खुद का आई यूज नहीं कर सकता उसके बाद में वुड सप्लाई गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू बी टैक्स एट फाइव परसेंट विदाउट आई टीसी हाँ अगर गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगी क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस ही सिर्फ नाइन फाइव में जाएगी उसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो उसका यहां पे ओके टीसीएस कट किया जाएगा ओके अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगा जो नाइन फाइव में कवर नहीं होता है तो उसका टीसीएस कट किया जाएगा वो रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर टू बी बिल डिफरेंटली शा लेबल टू रेस इन वॉइस इन सच केस समझ लो आप मेरे रेस्टोरेंट में आपने रेस्टोरेंट सर्विस ली प्लस कोई दूसरा गुड्स और सर्विस मेरे रेस्टोरेंट से लिया जो रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई नहीं होता है तो ऐसे केस में बेटर एडवाइस ये है कि बिल अलग बनाओ क्यों क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के बिल पर नाइन फाइव लगता है और अदर गुड्स और सर्विस ईसीओ के थ्रू जा रहा है सुनना अदर गुड्स और सर्विसेस के थ्रू जा रहा है तो केस में टीसीएस कट होगा तो बेटर वे वो सिचुएशन में यहाँ पे आप सेपरेट बिल बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है वेदर रेस्टोरेंट और इश्यू विल इशू इन वॉइस फॉर रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू इश्यू अंडर सेक्शन नाइन फाइव वो केस में नो डाउट इश्यू सी इन वॉइस देगा जब नाइन फाइव की लाइबिलिटी होती है तो इनवाइस ई सी ही देता है ओके लास्ट एलेवन इलेवन कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं वो तो प्रोसीजर पॉइंट है तो इस तरह से हमने यहाँ पे टी डी एस और टी सी एस ओके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की आई होप आपको ये रिविज़न क्लासेस में मजा आ रहा होगा सारी रिविज़न आपने अच्छे से कर ली होगी तो बस इस बार अस्सी बार अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट आप जरूर देना कि आपको रिवीजन कैसा लगा थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू